हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू स्वाद इंस्टीट्यूट एंड मैं हूँ शेफ स्नेहा ठक्कर, फाउंडर ऑफ स्वाद इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा फ्लेवर शो अभी चल रहा है और इसका आज दूसरा एपिसोड है। सो हमेशा से आप लोग हमें तो मिलते ही हैं, हमारे से रेसिपी सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, पर आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिससे आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो वो है हमारे साथ आज जुड़ने वाले शेफ विराज नायक। तो हम इनको यहाँ पे वेलकम करेंगे। सो प्लीज विराज नायक शेफ। थैंक यू स्नेहा। सो वेलकम टू स्वाद इंस्टीट्यूट। थैंक यू। और शेफ विराज नायक को आप जानते होंगे, वो कंटेंट क्रिएटर भी है और फेमस यूट्यूबर है। सो बहुत सारी रेसिपीज आप इंस्टा पे डालते रहते हो, फिर भी आप अपने बारे में कुछ बताइए कि लोगों को पता चले कि हमारे साथ आज कौन जुड़ा है और हम दोनों शेफ मिलके आज आपको एक बढ़िया सी रेसिपी बताने वाले हैं। यस शेफ जी, थैंक यू सो मच शेफ स्नेहा जी। पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए, हेलो, मैं हूँ शेफ विराज नायक। विराज नायक रेसिपीज से मेरी यूट्यूब चैनल चलती है। तो बेसिकली मैं एक शेफ हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। खाना बनाना और खाना खिलाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आशा रखूं कि आज की जो हमारा सेशन होने वाला है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। यस, क्योंकि हमने टॉपिक ही ऐसा पसंद किया है कि सबके घर में या ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, वो हर जगह पे चलता है, राइट? सो साउथ इंडियन, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ना, एक ही सोच आती है कि या साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन खाने के लिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि दोनों मिलके बहुत अच्छे से एक मसाला डोसा बनाए और वो भी प्री मिक्स के साथ। यस, हम यहाँ पे आपको डोसा का प्री मिक्स भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आपको अगर बनाना है तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही टेस्टी सबका फेवरेट आप बना सको, राइट? ओके, तो शुरू करते हैं हम डोसा बनाना। तो सबसे पहले शेफ हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम प्री मिक्स बनाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हम डोसा का प्री मिक्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लगेगा कि प्री मिक्स क्यों बनाना, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप बहुत लंबी प्रोसेस कर पाओ, बेटर बना पाओ। तो ये जो मेथड है आपको बहुत ही काम में आएगी, स्पेशली जो लोग बाहर जा रहे हैं, जिनके पास समय कम है, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज इसीलिए हम मसाला डोसा प्रीमिक्स बना रहे हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिए है, आप कोई भी चावल ले सकते हो। मैंने जो रूटीन में हम खाते हैं छोटे दाने वाले, वही चावल लिए है। मेजरमेंट आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तो सभी चीज़ को हमें ड्राई रोस्ट करनी है, तो पैन में इसे हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे अभी कोलम राइस लिया है या मसूरी राइस है, एनी टाइप ऑफ राइस, बट ध्यान रखना है बासमती चावल हमें नहीं लेना, राइट? राइट, ओके। अब इसमें हम उड़द की दाल मिलाएंगे और साथ ही में हम चने की दाल मिलाएंगे। तो जो चना दाल है, इससे डोसा का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। दूसरी एक सामग्री मिलाएंगे, पोहे, जो थीक वाले पोहे आते हैं जिससे हम बटाटा पोहे बनाते हैं, ये वही है, तो ये डाल देंगे। मेजरमेंट बाद में आपको कैप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो हम अपडेट कर देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट परफेक्ट मिलेंगे। हमारे जैसी परफेक्ट रेसिपी आपको बनानी है तो उसको बिल्कुल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे धीमी आंच पे हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही रोस्ट करके शेफ ने बताया, वैसे शेफ ये हम पैकेट बना के लाइक बच्चों को बाहर भी दे सकते हैं कि वो तुरंत भिगो के तुरंत डोसा बना सकते हैं। तो ये जो है, इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है। Yes. अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि दाल और जो चावल है इसे हमने साफ नहीं किया है, तो okay. क्या करना है? हाँ. तो वैसे जब हम गुजराती ढोकला का भी आटा बना के रखते हैं, okay. हंडवा के लिए भी हम बना के रखते हैं, तो उसी प्रकार आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो दाल और चावल हमने ली, इसे अच्छी तरह से आप धो ले, धोने के बाद 2 दिन आप इसे धूप में सुखा ले, फिर से ड्राई हो जाएगा और फिर रोस्ट कीजिए, तो उससे भी आप प्रीमिक्स बना सकते हैं। तो हमारी चैनल से हमारे साथ या तो हमारे शेफ के साथ तो हमेशा आप जुड़ते हो। आज आपको यहाँ पे रेसिपी सीखनी है शेफ विराज नायक के साथ, ओके? तो यहाँ पे हमारा रोस्ट हो रहा है। शेफ, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने 500 के प्लस फॉलोअर्स कर लिए सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी, तो जी, आपने क्या सोचा, मतलब कैसे सब इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा बताएं। बचपन से ही मैं बताना चाहूंगा कि मुझे आर्ट का भी शौक था और कुकिंग का भी शौक था। तो मेरा जो स्टडी रहा वो मैंने फाइन आर्ट्स किया था, क्योंकि मुझे, मैं गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। ओके। लेकिन जो कुकिंग है वो लग मुझे रहा है। हाँ जी। और मेरे घर में हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो 25-30 लोग हम साथ में ही थे, तो कुकिंग भी वो सबको देख देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले मैंने जो मेरा करियर है वो थोड़ा आर्ट में किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी कुकिंग में कुछ करना चाहिए, तो धीरे धीरे फिर मैं कुकिंग में भी आ गया। ओके।
शेफ स्नेहा, आपकी जर्नी किससे इंस्पायर्ड है? मेरी जर्नी कुछ अलग है. सो मैं शादी करके मेरे घर में जो आई थी, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से, मतलब मैं, हमारा फैमिली तो जॉइंट में ही था, बट मैं खाना बहुत अच्छा पकाती थी. वो सब लोग मुझे बताते थे कि तू बहुत अच्छा खाना पकाती है. एंड लाइक उस टाइम कुछ ऐसा हो गया था, मेरा एक बेटा एक्सपायर हो गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी. और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि तू खाना बहुत अच्छा पकाती है, तो तू क्लासेस स्टार्ट कर. और मैंने क्लासेस स्टार्ट किए. धीरे धीरे जैसे मेरे क्लासेस मुझे सक्सेस देते गए, गुजरात नंबर वन इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला. एंड आगे चलते चलते आप लोग देख रहे हो स्वाद इंस्टीट्यूट की हमारी एप्लीकेशन या चैनल पे कि लाइक हमारा बहुत बड़ा 22,000 एरिया के स्क्वायर फिट में इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और अपना करियर खुद बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज भी है. हमारा खुद का कैफे भी है, क्योंकि अभी मेरा बेटा जो है मैकेनिकल इंजीनियर, वो भी मेरे साथ जुड़ गया है. तो एक टेक्नो पर्सन एंड यंग पर्सन जुड़ जाने से भी बहुत फर्क आता है. पर लंबे वैसे 25 साल की जर्नी हम ऐसे तो नहीं बता सकते, पर हाँ मैं जरूर लोगों को ऐसा बताऊंगी कि मैंने और विराट सेफ ने जो भी यहाँ पे लाइक स्ट्रगल की है, ऐसे ही किसी को कोई सक्सेस नहीं मिलती. बट वो जो स्ट्रगल की, इसमें से 2-3 बातें हम आपको बता सकते हैं कि आपको गोल बनाना है, इसके ऊपर फोकस करना है, कभी गिव अप नहीं करना है. कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपको गिव अप कभी भी नहीं करना है. ऑलवेज वन स्टेप अहेड रहना है, कुछ नया सोचते रहना है. ये सब बातें आप इंप्लीमेंट में लाओगे तो सक्सेस, दुनिया की कोई भी सक्सेस आपको रोक नहीं सकती. यस, और मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा ऑडियंस को भी कि मेरी जब आपसे बात हुई, ये जो इंस्टीट्यूट अभी मैं देख रहा हूँ, वो सूरत का ही नहीं, गुजरात का ही नहीं, इंडिया लेवल पे एक बहुत ही बड़ा नाम आपने किया है. और जो स्टार्ट आपने जो जीरो से जो स्टार्ट किया है, वो अभी दिखता है एक लेवल पे आ गया है. और ऑनलाइन भी आपके जो कोर्स है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है. यस यस, थैंक यू सो मच जी. सो दाल हो गई हमारी यहां पे अच्छे. अभी मैंने गैस की उसको बंद कर दिया है. ओके, आखिर में इसमें हम थोड़ी मेथी डाल देंगे. गैस की फ्लेम बंद करके हम मेथी डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हल्का से इसे भून लेंगे. अभी इसमें जो गर्मी है इससे ही अच्छी तरह से भून जाएगी. यस, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी ज्यादा कलर हमने इसका चेंज नहीं किया है. 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है, तो बस इतना ही हमें रोस्ट करना है. बिल्कुल. अभी हम क्या करेंगे, हल्का से इसका ठंडा होने देंगे. ओके. और उसके बाद हमें इसे पीस लेना है. बिल्कुल. अब यहाँ पे पीसेंगे तो हमारा जो ग्राइंडर मशीन है जिसमें हम ड्राई हमेशा से पीसते, वो वाला जार लेके हम इसके अंदर पीस लेंगे. और पीसने के बाद इसका क्या प्रोसीजर है वो हम आपको बता देते हैं. राइट जी. क्योंकि जब भी जैसे शेफ ने बताया है कि लाइक 10-15 मिनट में भी इंस्टेंट ये डोसा बन सकता है, पर अगर आपके पास टाइम है, आधा पौना घंटा या एक घंटे पहले आप उसको बैच को तैयार करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे, तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो हमने एक बैच रेडी करके रखा है आपके लिए जी. हाँ, बाद में टेस्ट हम करने वाले हैं, पर आपके लिए, क्योंकि आपको सिखाना है. राइट. तो अभी इसकी जो प्रोसेस है, इसमें एक दो चीज और डालनी बाकी है. हाँ. तो जब हम इसे ग्राइंड कर देंगे उसके बाद वो ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें से हम बैटर कैसे बनाना है वो भी दिखाएंगे. तो अभी कर सकते हैं क्योंकि हमारा गरम गरम इसमें पीसा जाता है. राइट जी. तो पीसना है तो कंटिन्यूटी में पीस लेंगे. और ये जो मसाला डोसा है ना, वो हम बनाने वाले हैं लाइक आलू की सब्जी के साथ, बट इसी को आप मशरूम का लाइक स्टफिंग ले लो, या डिफरेंट डिफरेंट और स्टफिंग के साथ भी आप बनाना चाहते हो, या इसी को आप जीनी डोसा में, पालक पनीर में, किसी में भी यूज कर सकते हो. पर हम यहाँ पे ऐसा बना रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पसंद आता है. yes, जो ओरिजिन है उसका, तो उसी से बना. exactly. और वैसे बनेगा ये मसाला डोसा प्रीमिक्स कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो ऑडियंस है वो भी अब तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गई है. एंड थैंक्स टू स्वाद इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपके बहुत सारे लाइव चलते रहते हैं, तो उसमें आप एक रेसिपी ही नहीं दिखाते, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी टिप्स देते हैं. yes. कि ऑडियंस को भी वो पता चलता है कि हाँ इसमें से ये हो सकता है. बल्कि ऐसा होता है शेफ विराज की लाइक हमसे लोग टिप्स के लिए लाइव में जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं. भले लंबे वीडियो होते तो भी उनको लगता है कि नहीं, हमको ये लाइव आपके बहुत पसंद है, प्लीज आप लाइव बंद मत करो. जी जी. ऐसा तो बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में शायद आ भी गया होगा कि ये जो प्रीमिक्स बनेगा इसकी हम इडली बना सकते हैं कि नहीं. तो डेफिनेटली वो इडली भी बना सकते हैं. इसमें से आप इडली बनाओ, उत्तपमा बनाओ, कुछ भी, मतलब जो भी हमारे साउथ इंडियन के जो तवे पे फैलाने वाला है वो भी बन सकता है, इडली भी बन सकती है. Thank you.
जब भी हम साउथ इंडियन डिशेज की बात करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमको तुरंत ही सामने हमारे आते हैं। एक तो उड़द की दाल, चने की दाल, करी लीव्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर साउथ इंडियन डिशेज में होता है। कोकोनट यानी कि फ्रेश कोकोनट, उसका भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कभी भी आपको कोई भी डिश की ऑथेंटिसिटी अगर पकड़नी है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हर एक क्विजिन का है, एक इंग्रेडिएंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इसमें। अगर वो इंपॉर्टेंस अगर आप छोड़ देते हो तो वो टेस्ट भी छोड़ देता है, राइट? यस। करना है और थोड़ा देखिए, इस प्रकार से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हम इसे दरदरा भी नहीं रखेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी से रखनी है। एक बॉल में इसे हम निकाल देंगे। तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि कितने लोग विराज शेफ को जानते हैं, आगे इनको मिल चुके हैं या उनके चैनल पे जा चुके हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, कितने लोग शेफ विराज को जानते हैं और उनको आज हमारे प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथ में। ओके, अभी इसको हमने पीस लिया है, इसमें हम खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा मिलाएंगे और इसी के साथ नमक मिला देंगे। वैसे नमक डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो नमक बाद में भी डाल सकते हो, जब भी आपको डोसा का बैटर बनाना है उस समय भी आप डाल सकते हो। पानी डालने के बाद जितना हमें पता चले उतना भी हम डाल सकते हैं। अभी सब मिला लेंगे। तो ये बेसिकली हो गया आपका डोसा का प्रीमिक्स। अभी जब भी आप चाहो इसका इंस्टेंट आप डोसा बना सकते हो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर सकते हो ताकि ये बहुत ही बढ़िया मिक्स हो जाए और हमें परफेक्ट प्रीमिक्स मिले। तो इसे हम फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे प्रीमिक्स रेडी हो गया, राइट? Yes. जब भी डोसा बनाना है उसी टाइम हमें इसमें कर्ड एंड पानी मिलाना है थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट मिनिमम से लेके एक घंटे तक आप उसको रखिए एंड इसमें से जो बनाना है बनाइए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जब भी डोसा बनाए उसमें दही नहीं मिलाना है तो आप इसमें ही थोड़ा साइट्रिक एसिड यानी कि जो नींबू का सद आता है, उसे नींबू के फूल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी थोड़ा डाल सकते हैं। तो उससे भी आपका प्रीमिक्स जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। सिग्नेचर डिश मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिग्नेचर डिश यानी कि जो हमने कुछ अपने से बनाया है और खुद का हमारा क्रिएशन हो, तो नॉर्मली हम गुजराती लोग हैं, ढोकला और जो आम रस है उसे हम साथ में खाते हैं, तो मैंने उसका एक बहुत ही बढ़िया फ्यूजन करके एक डिश बनाई थी। ओके, तो वो मेरी एक सिग्नेचर डिश मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बेसिकली है ना, अगर इंडिया के क्विजिन में देखो ना तो मेरा साउथ इंडियन बहुत ही फेवरेट है। अच्छा। पर इंटरनेशनल में मेरा थाई फूड बहुत फेवरेट है, तो थाई रैप्स एक मैंने बनाया है क्रिएशन करके, बिकॉज बेसिकली मैं कोकोनट मिल्क भी बहुत पसंद करती हूँ, वेजिटेबल्स भी बहुत पसंद करती हूँ, तो सबका कॉम्बिनेशन करके कोकोनट का जो मिल्क पाउडर आता है वो डाल के मैंने एक रैप्स बनाया हुआ है, और हर टाइम जब भी मुझे मन होता है घर वालों को खिलाना है तो वो मैं थाई रैप जरूर बनाती हूँ। अभी हमारे जो डोसा का प्रीमिक्स है वो तैयार हो गया, तो अभी से आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। ओके। जब भी आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, एक चीज़ आपको खास ध्यान देनी है कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो जो आपका जार है उसे आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ड्राई रखना है और उसके बाद इसे भर लेना है। फिर जब भी डोसा बनाना है इसमें आप थोड़ा दही डाल दें, थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बनाएंगे और फिर इसमें से डोसा बना सकते हो। अगर दही नहीं डालना है तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो, वो भी नहीं डालना तो बिना आप दही या नींबू का रस भी बना सकते हो, सिर्फ आपको इसमें पानी मिलाना है। बिल्कुल। तवा हम यहाँ पे गरम रख देंगे क्योंकि एक बैच हमारे पास रेडी है। अभी इसमें हम दही डालेंगे, नहीं डालना है डाल के बता दो, कोई बात नहीं, हम डोसे खा लेंगे ज़्यादा। तो दही डाल देंगे, अप्रोक्स हमने 2 टेबल स्पून जितना यहाँ पे दही लिया है उसके साथ पानी डालना है। मीडियम खट्टा दही हम ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमको इसको फर्मेंटेशन लाना है, तो मीडियम खट्टा दही भी आपके घर में रहेगा तो चलेगा। और जैसे कि शेफ ने बताया हम सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। और दही का यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, अगर बहुत ज्यादा खट्टा दही है आपके पास तो कम डालिए, तो भी आपका ये जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ज्यादा डालो। यस।
और बहुत ही प्लेन है तो हल्का नींबू का रस डाल के भी, मतलब मेन उसको एक सिट्रिक एसिड चाहिए, कोई भी एसिड चाहिए साथ में। मुझे इडली सांभर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेदू वड़ा मुझे, मुझे टेक्निकली बोलो ना, मेरे खुद की बात करो ना, मुझे सब कुछ साउथ इंडियन जितना भी अगर आप दोगे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो तो हमारे दोनों की जो चॉइस है वो मिलती जुलती है। और मेरे ही बात नहीं करूँ, अगर मेरे लड़के की भी बात करूँ, जो सन है पनाश, उसको भी किसी भी प्रकार का अगर साउथ इंडियन फूड दो ना, उसे भी उतना ही ज़्यादा। मेरा बेटे का भी ऐसा है, वत्सल सर को भी दिन में, दोपहर में, रात को जब भी साउथ इंडियन देते हैं वो बिल्कुल खाने के लिए रेडी होता है। इसीलिए तो मैंने बोला कि सबकी पसंद होती है, इसीलिए हम साउथ इंडियन बनाते हैं जी। अभी बैटर हमारा तैयार हो गया, जब भी आप कोई भी प्रकार इस प्रकार का बैटर बनाते हो एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, इसे बहुत ही अच्छे से फेंटिए तो आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो एक ही डायरेक्शन में इसे 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेना, बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप सेट कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है क्योंकि इसे हम 15 मिनट के लिए रहने देंगे। आप चाहो तो इंस्टेंट भी इसमें से डोसा बना सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा रखोगे उतना रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो वैसे आप चाहो 1 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हो। अच्छा, कमेंट का कोई जवाब आया है प्रतीक? कितने लोग एक्साइटेड है आज हमारा डोसा फाइनल डिश देखने के लिए? मैम बहुत सारे लोग सब बोल रहे हैं आज रात को यही बनेगा। क्या बात है, रात को बनाओ सुबह में बनाओ, पर बनाना जरूर, और बना के उसकी एक मस्त फोटो खींच के स्वाद इंस्टीट्यूट को और शेफ विराज नायक, यानी कि विराज नायक रेसिपीज उनका पेज है, वहाँ पे आप टैग कर सकते हो। यस फाइन। ग्राइंडर में क्या डाला था, एक बार वापस रिपीट कर दो। ग्राइंडर में हमने जो चावल को रोस्ट किया तो हमने चावल लिया था, उड़द की दाल, चने की दाल ली थी। उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लिया, पोहा थोड़ा लिया था, धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए हमने रोस्ट कर लिया। आखिर में हमने मेथी दाना मिलाया, इसे हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है और बाद में इसे ग्राइंडर में पीस लेना है। पीसने के बाद जो पाउडर हुआ उसमें हमने नमक मिलाया और बेकिंग सोडा मिलाया, तो उसे डाल के फिर से हमने एक बार अच्छी तरह से पीस लिया और हमारा जो डोसा प्रीमिक्स है वो तैयार कर लिया। तो इस प्रकार हमने डोसा प्रीमिक्स बनाया। ओके, तो शेफ ये हमारे पास एक और बैच रेडी है जी। तो जो हमने अप्रोक्स 1 आवर के पहले बना के रेडी कर दिया है, अब उसी में से हम डोसे अच्छे से उतार सकते हैं। भाई घर पे ऐसा मत बोलना कि आपने तुरंत बनाया था और मेरा नहीं बना, है ना? बाउल सेम है, आप देख सकते हो शेफ ने जो बनाया वो अभी हम साइड पे रख रहे हैं, ये थोड़ा थिक है, राइट, ये साइड में रखेंगे और ये जो पहले से बना के रखा हुआ है उसी में से हम यहाँ पे डोसे बनाने वाले हैं। अच्छा, ये तवे के बारे में हम थोड़ा शेफ बता देंगे जी। नॉर्मली अभी तो मैंने नॉनस्टिक तवा ही लिया है, डोसा बनाते समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो सारे जो प्रॉब्लम है उसकी हम बात करेंगे। मैं दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, सबसे पहले हम तवे की बात करेंगे। 2 टाइप के तवे होते हैं, एक नॉनस्टिक और दूसरा कास्ट आयरन तवा। नॉनस्टिक तवे भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो डोसा है वो सफ़ेद रहता है या फिर अच्छा नहीं बनता, वो अपने आप ही जैसे फैलाते वो निकल जाता है, कलर अच्छे से नहीं आता, तो उसका रीज़न है आपका जो नॉनस्टिक तवा है बहुत ही नया है, अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है तो ऐसा होता है। और कास्ट आयरन तवे पर ऐसा होता है कि जब जैसे आप डोसा बनाते हो वो चिपक जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो कास्ट आयरन तवा है वो सीज़न नहीं हुआ। तो पहले नॉनस्टिक तवे उसे फिक्स कैसे करना है हम वो बात करेंगे। तो जब भी आप नॉनस्टिक तवा लेते हो, नया लाते ही अच्छे से आप इसे साफ कर लीजिए और 1 से 2 वीक के लिए इसे आप इस्तेमाल रूटीन में कीजिए, जैसे रोटी बनाइए, बकरी बनाइए, कुछ भी खाना इसके ऊपर बनाइए, 2 वीक के बाद आपका जो तवा है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप तवा लेते हो उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसा ही तवा ले, बहुत ज़्यादा पतला तवा आपको नहीं लेना है। और जो कास्ट आयरन तवा है उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कास्ट आयरन तवा लाते हो उसे गैस के आंच पे रख दे, आंच को तेज रखे, 10 से 12 मिनट के लिए इसे इतना गर्म करे इसमें से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलना चाहिए। जब धुआं निकलने लग जाए गैस के आंच को बंद कर देना है। बंद होने के बाद हल्का सा जब ठंडा हो जाए इसके ऊपर आप तेल लगा ले, जो कास्ट आयरन तवा है उसके ऊपर, और फिर जैसे रेगुलर डोसा बनाते हैं उस हिसाब से बनाइए, आपका जो डोसा है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है, जो तवा है हम यहाँ पे अभी आपको नॉनस्टिक तवे पे बता रहे हैं, क्योंकि जो शेफ ने कास्ट आयरन तवे की बात की वो हम हमारे साउथ इंडियन क्लास में आपको यहाँ पे सिखाते हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप लाइक खाउदरा गली में बैठे हो या कोई स्ट्रीट पे बैठे हो और गर्मा गर्म डोसे खा रहे हो।
पर इसके लिए आपको आमने सामने सीख के प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत प्रैक्टिस के बाद आप वो तवे पर से निकाल सकते हो, क्योंकि उसका वेट 15 केजी का होता है। सो वो आपको बहुत ही प्रैक्टिस के बाद निकलता है। और जैसे शेफ ने बताया सीजन तवा, सीजन तवा का मतलब है आपको तवे को कभी धोना नहीं है, एक गीले कपड़े से पोंछ के साइड में रख देना है ढक के, और उसी को वापस यूज़ करना है। जितना ब्रश घिस घिस के इसको साफ करोगे उसके ऊपर कभी भी डोसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीजन तवा है, और देखिए यहाँ पे हमने ज़रूरत के हिसाब से शेफ ने थोड़ा और पानी डाला है, और कंसिस्टेंसी उसकी खास देख लीजिए कैसी रखनी है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से रखिए। अगर आप स्ट्रीट स्टाइल देखोगे, बहुत सारे जो डोसा वेंडर है उनका जो डोसा बैटर है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि उनको वो एडजस्ट हो गया तो वो उनसे बहुत ही आसानी से फैला सकते हो। लेकिन अगर आपको घर पे बनाना है तो इस प्रकार जो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है आप वो रख सकते हो, इससे आप बहुत ही आसानी से फैला पाओगे। और हमारा जो लैडर है, जो चम्मच है ना, वो नीचे से फ्लैट होना चाहिए, इस प्रकार का फ्लैट है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे चम्मच ऐसे आते हैं ऊपर से, तो वो आपको नहीं लेना है वरना बीच में खड्डा हो जाएगा। जिसके पास नहीं है वो दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं? किस में? लैडर के बदले ऐसी कटोरी भी यूज कर सकते हैं। छोटी वाली स्टील की कटोरी आती है जो नीचे से एकदम फ्लैट होती है। बर्तन वाले के यहाँ जाके आप बोलोगे ना कि डोसे के लिए कटोरी चाहिए, डोसे के लिए लैडर चाहिए, तो वो बिल्कुल आपको दे देंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे जी। ये प्रोसेस ऑयल आपको सर पहली बार डालना है। अरे बिना ऑयल की डिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी भाई, क्योंकि शेफ विराज ऐसे बोलेंगे मैम आपको जरूरत है बिना ऑयल का, आप खा लो, मुझे नहीं खाना है। सो मैं तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली, पर हाँ फिर भी आप लोगों को खानी है तो मैं एक टिप्स ज़रूर बता देती हूँ। अगर मानो कि बिना ऑयल का कोई सब्जी बनाना है, बिना ऑयल का कुछ भी आपको करना है, तो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट है उसको ऐसे ही एक नॉन स्टिक पैन के अंदर अच्छे से रोस्ट करके उसको पीस के उसकी कुछ पेस्ट बना के वो पेस्ट को सौते करो ऐसे ही कोई दूध के साथ या ऐसे, एंड देन जो आपके इंग्रेडिएंट है वगैरह बना के मिला के बनाते हो तो वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रेसिपी आपके बिना ऑयल बनी है। तो वैसे आपको करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। अभी जो तवा का टेम्परेचर है बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप डोसा फैलाओ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे हम इसे फैलाने जाएंगे वो जो डोसा है हमारे चम्मच के साथ ही निकल आएगा, वापस आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो जब डोसा बनेगा तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया कलर नहीं आएगा। तो इसे चेक करने के लिए इस प्रकार में थोड़ा पानी छिड़क रखना है। अभी आप देख सकते हो पानी बहुत ज़्यादा नहीं एवेपोरेट हो रहा है, उसका मतलब ये, हाँ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। सो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक दो डोसा बराबर नहीं निकले, क्योंकि तावी के टेम्परेचर को और बैटर को सेट होने में थोड़ा टाइम मिलता है जी। लगता है, तो ऐसा हो जाने से घबराना नहीं है, एक दो डोसे नहीं निकलेंगे, तीसरे चौथे डोसे से आपके परफेक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसी की वजह से शायद लोग घबरा के डोसा बनाने का सोचते भी नहीं है कि खा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बनेगा। आप लोग यहाँ पे सीखोगे बिल्कुल बन जाएगा। और मेरे घर में तो हम ऐसा पहले से ही मानते हैं कि जो पहला डोसा है कभी भी इतना अच्छा नहीं बनता, नहीं बनता है, क्योंकि मैंने वही बताया कि टेम्परेचर सेट होने में टाइम लगता है। दूसरी एक चीज, जो डोसे की साइज है वो आप तवे के हिसाब से रखिए और आपकी जो गैस की फ्लेम है उसके हिसाब से रखिए। अगर बहुत बड़ा आप डोसा बनाओगे तो हमारा जो घर का गैस है बहुत ज्यादा उसकी फ्लेम नहीं रहती, तो जो साइड है उस पर अच्छे से कलर नहीं आता, नहीं। सेंटर में ही थोड़ा कलर आता है। अब थोड़े छोटे डोसे बनाइए, वो भी टेस्टी उतने ही लगते हैं। अभी हम डोसा फैलाएंगे। अभी हम पहला ही डोसा बना रहे हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल छोटा रखेंगे, क्योंकि तावे को सेट करेंगे। हल्का सा तेल डाल देंगे, ये पहला डोसा है तो ऑप्शनल है, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। मैम 400 जन लाइव देख रहे हैं और लाइक अभी तक 80 है। क्या हो गया भाई, सोते सोते तो नहीं देख रहे हो ना, जाग रहे हो ना सब लोग, तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए तो ही आगे की रेसिपी जाएगी, क्या बोलते हो शेफ विराज?
सो लाइक तो करना ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइक स्वाद में हम देखते हैं ऐसे ऐसे शेफ से भी आपको मिलवाते हैं, रेसिपी आपको पसंद आती है, तो लाइक का बटन क्लिक करने में टाइम कितना लगता है, तो जरूर से लाइक का बटन क्लिक करिए। अगर आपको लाइक आता है, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं बाद में पूछती हूँ कितनी लाइक आ गई है। हाँ, और सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि एवरी ट्यूसडे हम आपके लिए एक नई रेसिपीज लेके आते हैं, और एवरी फ्राइडे अभी हम ये फ्लेवर शो के लाइव लेके आते हैं, तो अगर हमारा कुछ भी नया आता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, तो बेल आइकॉन को भी बिल्कुल प्रेस कर दीजिए अभी। यस, कुछ भी नहीं। हाँ, इसीलिए कुछ भी नहीं, दोनों में चीज आता है तो अभी नहीं चलेगा। स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी, मुझे भी स्पाइसी। इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कौन सा प्लेटफॉर्म? अब ये तो अगला सवाल है। पर ऐसा होता है कि इंस्टा हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में टाइम चलता है, लाइक 15-20 मिनट मिनिमम है तो हम यूट्यूब देख सकते हैं, पर इंस्टा ऐसा है कि हर एक घंटे में देखते हैं क्या नया आया है, सो इंस्टा हम ज्यादा यूज करते हैं। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे दिक्कत आती है हम उसका सॉल्यूशन भी देते जाएंगे, और क्या प्रॉब्लम होता है वो भी दिखाते जाएंगे। ये देखिए, जो पहला डोसा है हमने बिल्कुल छोटा सा बनाया है, लेकिन इसे निकालने में दिक्कत आ रही है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकल रहा। ये देखिए, नॉनस्टिक तवा है, फिर भी मुझे थोड़ी मेहनत लग रही है इसे निकालने के लिए, तो ऐसा क्यों और इसका सॉल्यूशन क्या करना है, तो वो भी मैं ऑडियंस को दिखाते जाऊँगा, ताकि जब भी वो डोसा घर पर बनाते हो आसानी से उनको आसानी से वो प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हो जाए। ये देखिए, अभी ये निकल तो गया, कलर देखिए, कलर तो बहुत ही बढ़िया आया, हमने इंस्टेंट बनाया, लेकिन अब तवा देखिए, तवा हमारा बिल्कुल भी क्लीन नहीं है और डोसा थोड़ा चिपक गया है, नॉनस्टिक तवा है, तो उसका लिए उसके लिए क्या करना है, तो पहले तो इसका जो भी लगा है वो हम निकाल देंगे। गैस की आंच को मैंने ऑन ही रखा है, और ये फर्स्ट है तो भी शेफ क्रिस्पी बहुत अच्छा है। यस, और हमने इंस्टेंट बनाया, इंस्टेंट बैटर, बिल्कुल इंस्टेंट है, और मुझे दिख रहा है इतना क्रिस्पी है, टूटने से ही पता चल रहा है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो डोसे को हम तवा जो है उसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। तो आपको जैसे बताया, फर्स्ट डोसा आपको ऐसे ही निकालना है, छोटा ही निकालना है, तावी को सेट करना है जैसे हमने बताया, और फिर आपको आगे के डोसे निकालने हैं। हमारे एक व्यूअर को प्रॉब्लम है कि आयरन की तवे पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है सॉल्ट से सीजनिंग करने के बाद, तो जैसा आयरन तवा का मैंने पहले ही बताया कि आयरन तवे को आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है, उसको सीजन करना पड़ता है, और सीजन तब होता है आपका जो तवा है एक दो बार यूज़ होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आयरन तवा को गर्म करके सीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो सीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद तेल से इसे ग्रीस करना है, तवे को पूरी तरह से ठंडा होने दें, फिर आप गैस की आंच को ऑन करें, तो आपका जो तवा है वो सीजन हो जाएगा और आयरन तवे भी आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। और एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोग जो करते हैं शेफ क्लास में, कि लाइक नया ये कास्ट आयरन का तवा लेके आते हैं ना, तो ईंट आती है जो ब्रिक आती है, ईंट को तोड़ के उसका इंटोड़ा जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से घिसते हैं, एंड देन जब भी हम बनाने वाले होते हैं, नहीं घिसते हैं, उसके बाद 1 kg जितने प्याज हम काटते हैं, और वो प्याज को पूरा बारीक चॉप करके बिछा के उसके ऊपर तेल डाल के उसको पूरा अच्छे से जलाते हैं, क्योंकि इससे आपका तवा जो है प्रॉपरली सीजन हो जाता है, और फिर उसको क्लीन करके मतलब कि पोंछे से पोंछ के रख देते हैं, और जब भी बनाते हैं तब जो शेफ ने आपको बताया वो वाला करना है कि हाई फ्लेम पे रखो, क्योंकि अभी आपका जो घिसा है ईट से एंड आपने जो प्याज से किया है उससे आपका तवा जल्दी से सीजन हो जाता है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं भी किया ना तो ये जलाने से आपका तवा सीजन जल्दी हो जाता है। यस, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर नॉनस्टिक में भी थोड़ा सा चिपक जाता है तो आप आधा प्याज काट ले, प्याज को भी इसी स्टेज पे आप थोड़ा ऑयल के साथ घुमा दें, पकड़ के घुमा सकते हैं, हम अभी ट्राई करके देखेंगे। यस, एक प्याज हमको चाहिए आधा काट के ऑयल लगा के, तो जैसा आपने जो बताया प्याज वाला चीज, तो वो भी बहुत ही काम की चीज है, मैं भी बहुत बार ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर जो कोई सब्जी आती है तो अगर हम सब्जी एक दो दिन बना ले तो भी हमारा जो तवा है वो परफेक्टली सेट हो जाता है डोसा बनाने के लिए। यस, ओके, ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम, मतलब हमारे साथ ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स
अभी एक से 98 पे आया है, अभी 900 तक चाहिए ही मुझे। जितने ऑडियंस है ना पूरा मेरे, जो हमारे चाहते लोग हैं, जो हमें डेली देखते हैं और आज शेफ फिराज के साथ देख रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए क्योंकि हमें भी डोसा बनाने और आपको तो सिर्फ एक बटन ही तो बना है, लाइक कर दीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। पसंद करते हैं तो लाइक करना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअल में हमें पसंद करते हैं तो हम, वरना हम समझेंगे कि आप लोग हमें लाइक नहीं करते, राइट? सो लाइक करोगे तो ही हम समझेंगे कि आप हमें लाइक करते हैं। मैम अंजलि मैम भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारा साउथ इंडियन वर्कशॉप किया है और बहुत अच्छा है और वो शेफ विराज को भी बहुत टाइम से फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। तो वो दोनों को जानते हैं, दोनों का पसंद है, तो आप जल्दी से लाइक कीजिए। ओके सो हम यहाँ पे प्याज वाला प्रोसीजर थोड़ा करेंगे और उसके बाद डोसे निकाल ले देंगे यहाँ पे। साथ में हमने सांभर चटनी को बना के रखा हुआ है, आज हम नहीं सिखा रहे बिकॉज ऑफ लाइव, तो हमारा एक सांभर का वीडियो अभी एडिट होने में है, इसमें हमने ऑथेंटिक सांभर बनाया है तो वो आपको बाद में हम लिंक में दे देंगे, आप स्वाद पे जाके देखेंगे तो ऑथेंटिक साउथ इंडियन सांभर आपको देखने को मिल जाएगा। चटनी का भी हमारा ऑलरेडी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो जी, आधा कटा हुआ। दूसरा हम एक काम भी कर सकते हैं, एक का डोसा हमारा प्याज आता है जो हमें सब्जी बनानी है मसाला डोसे की, तो वो भी हम कर देंगे ताकि जब डोसा फैलाओ तो सब्जी भी है उसे हम डोसे के ऊपर रख सके, तो सब्जी भी बाकी है तो हमारा तवा रेडी है, सिर्फ प्याज हम इसके ऊपर घिसना बाकी है। उससे पहले हम एक फटाफट सब्जी बना लेंगे। आप 6 महीने आराम से स्टोर कर सकते हो, आपको एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में रखना है, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर में भी इसे रख सकते हो, बस चलेगा। अभी सब्जी के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए वो एक बार बता देते हैं। होली स्पेशल का हमारा कौन सा सूट हो गया है, इंस्टा पे हमारे वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, वो देख सकते हो बिल्कुल भी आप, जो भी होली स्पेशल है वो। और नेक्स्ट हमारे जितने भी इंस्टा के रील्स वगैरह आते हैं प्लीज आप उसको भी वॉच कर सकते हो, शेफ फिराज के भी जितने इंस्टा रील है उसको भी आप वॉच कर सकते हो, राइट? एंड एवरी ट्यूजडे आपके लिए हम एक सीजन के रिलेटेड या फेस्टिवल के रिलेटेड एक वीडियो यानी एक रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं। चलिए तेल गरम करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई डालनी है। तो अभी तो बिल्कुल हम बेसिक जो मसाला डोसा की सब्जी है वो बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, और इसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डोसा बना सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट डोसा सब्जी के बिना बनाना है तो इसके ऊपर आप जो चीज गार्लिक डोसा है तो वो भी आप बना सकते हो, सिर्फ डोसा फैला के इसके ऊपर आप बटर लगा दे, मक्खन लगा दे, गार्लिक चटनी लगा दे और थोड़ी चीज डाल दे तो आपका इंस्टेंट डोसा भी तैयार हो जाएगा। अभी राई हमारी फूटने लग गई, इसमें थोड़ा जीरा मिलाएंगे, उड़द की दाल और चने की दाल मिलाएंगे, छोटी चम्मच है ना, हल्का से इसे मिलाएंगे। कड़ी पत्ता बहुत ही जरूरी, जैसे मैंने बताया कि जो साउथ इंडियन डिशेज है उसमें जो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है वो कड़ी पत्ता से आता है। थोड़ी हींग डालेंगे, अभी कटे हुए प्याज डाल देने हैं, तो ये प्याज को हमने लंबे काटे हैं, बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर है उसे बारीक भी काटते हैं ताकि डोसे भी फैलाना बहुत ही आसान है, तो आपको जिस हिसाब से पसंद है उस हिसाब से रख सकते हो। प्याज नरम हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। ओके सो तब तक मुझे व्यूअर्स ये भी बता सकते हैं कि मैं और शेफ विराज और कौन सी एक नई रेसिपी आप लोगों के पास लेके आए, तो वो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं, क्योंकि शेफ विराज हमारे साथ वापस भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमसे दोनों के साथ कौन सी रेसिपी सीखनी है। ओके और आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है, क्या एक्साइटेड हो आप, वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं, और कौन से सिटी कंट्री से आप जुड़े हो वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए।
अभी आप देखिए प्याज पे हल्का सा कलर आ गया है, बिल्कुल भी ज़्यादा कलर नहीं लाना है, तो इसमें हम हरी मिर्च मिलाएंगे। आप जो तो अदरक हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल कम तीखा वाली हरी मिर्च है, राइट जी। और इसमें हमने लहसुन नहीं मिलाया, लेकिन अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप थोड़ा लहसुन भी डाल सकते हो। इसी के साथ थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अभी इसके लिए हमको आलू चाहिए, तो आलू आपको अच्छे से थोड़ा बॉईल करके लेना है, क्योंकि जैसे कि आप, जैसे शेफ ने बताया कि वेंडर्स लोग की जो सब्जी है तो वो थोड़ी, हम बोलते हैं ना, लचका पड़ती है, वैसी होती है, तो थोड़ा पानी छिड़क के भी हम उसको पका सकते हैं। और आलू को अच्छे से पका के हमको लेना है। आलू के टुकड़े भी हमने कर लिए हैं यहाँ पे, और स्टीम बॉईल किया है। स्टीम बॉईल करने के बाद स्किन निकाल के उसके टुकड़े कर लिए हैं। अभी जो आलू है इसे प्रेशर कुक हमने कर लिया है, या फिर स्टीम बॉईल भी आप कर सकते हो। उसमें क्या करना है, ये जो सब्जी है इसे बहुत ही ज़्यादा हमें मैश कर लेना है, तभी हम इसे बहुत ही अच्छे से डोसा पे फैला पाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक मैशर लेंगे और इसे मैश करेंगे। साउथ इंडियन अगर आपको सीखना है तो हमारा एक वर्कशॉप ऑनलाइन में भी है साउथ इंडियन का। और उसके अलावा हमारे ऑनलाइन में अगर आपको कोई भी कोर्स हमारा परचेज करना है तो 200+ कोर्सेस हमारे पास है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्स एंड गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स भी है, जो आप 9712307070 पे कॉल करके, इंक्वायरी करके हमारे कोई भी कोर्सेस ले सकते हो। ओके, थोड़ा सा पानी हमको डालना जी। यस, थोड़ा पानी डाल के हम इसको, अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हम सेट करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। ओके, ऑलमोस्ट आधा कप जितना मैंने पानी डाला है। नमक, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो आप सीख रहे हो उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो बता सकते हो, क्योंकि शेफ फिराज आज आए हैं तो सब पूछ ही लेते हैं उनसे कि डोसे में कितना कितना आपको प्रॉब्लम आता है। तो डोसे बनाते समय आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप शेफ फिराज से अभी पूछ सकते हो। मैम, राइस कौन सी वैरायटी का लिया है? हमने यहाँ पे अभी कोलम राइस लिया है। मेन थिंग इज के साउथ इंडियन में आप लेते हो ना तो बॉइल राइस करके एक आता है, जो बॉइल करके उसको सुखा के रेडी करते हैं, इससे इडली वगैरह डोसा वगैरह बहुत अच्छा बनता है। तो ये ले लो, और लचकारी कोलम या कोलम ले लो, या मसूरी चावल ले लो। पर जो बासमती सुगंधी राइस आता है ना, वो सिर्फ आपको साउथ इंडियन में नहीं लेना है, राइट? यस। टमाटो आप डाल सकते हो, अगर आप टमाटर डाल रहे हो तो जैसे प्याज हो जाए उसके बाद आप टमाटर डालिए। दो अलग अलग स्ट्रीट वेंडर की अलग अलग रेसिपीज होती है, तो ये हमने प्याज और आलू से ही बनाया, टमाटर से भी ये बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अगर इतनी क्वांटिटी में आप एक टमाटर डाल सकते हो। शुगर लेना जी। अभी आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए, पहले ये काफ़ी ड्राई लग रही थी, अभी आप देखिए इसे आप जब भी डोसा पे फैलाओगे ये बहुत ही आसानी से आप इसे फैला पाओगे। और जब भी इसे हमने मैश किया, बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं किया, कहीं कहीं पे आलू के जो पीसेस है वो हमें दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े क्रंच भी रखना है, थोड़ा मैश भी करना है। और मुझे तो यहाँ पे शेफ विराज बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, और मैं तो डोसा खाने ही वाली हूँ। और वैसे भी मैंने बोला कि डोसा मेरा बहुत फेवरेट है, साउथ इंडियन फेवरेट है, रवा डोसा भी मुझे बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम रवा डोसा का इनके साथ रख लें जी, जी। क्योंकि मुझे गर्मा गर्म खाने को मिले। बिल्कुल, थोड़ी चीनी मिलाएंगे। ओके, क्योंकि हम गुजराती है, हर एक जगह पे जो डिश बनती है अगर हम साउथ इंडियन बना रहे तो अलग अलग रीजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, तो बिल्कुल थोड़ी चीनी मिलाई और थोड़ा टेस्ट भी बैलेंस कर देता है हर चीज का। और थोड़ा नींबू का रस डाल देंगे। नो, वैसे देखा जाए तो कैप्सिकम ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन रेसिपी में जाता है, टमाटर भी ऑथेंटिक नहीं जाता है। पर जैसे शेफ ने बताया कि वेंडर लोग जो है वो टमाटर डालते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों का लूज हो जाए और अच्छे से टेस्ट बैलेंस करें तो वो डाल सकते हैं। पर ऑथेंटिक जो बनता है वो आज अभी हमने बनाया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी आखिर में डाल सकते हो, या सांभर मसाला डाल सकते हैं। ये लीजिए, तो आलू की जो हमारी सब्जी है, मसाला डोसा की जो सब्जी है वो तैयार है। बिल्कुल, बस बस देखिए एकदम इसका लस्टर, और ऐसे हमारा सब्जी तैयार। बाउल में निकाल दो बेटा इसको।
प्याज एक फोर्क काट दो जूस में चम्मच ड्रॉवर में अभी जो तवा हमने तैयार किया था इसके ऊपर बिल्कुल दो बूंद जितना हमें तेल लेना है और इसके ऊपर इस प्रकार हम प्याज लगा देंगे। ओके तो कहां से लोग जुड़े हैं प्रतीक हमारे साथ? हमारे से पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, दुबई से भी है, यूएसए से भी है। ओके और वियतनाम से भी बहुत लोग हैं। क्या बात है, मैं अभी लास्ट ईयर दिवाली में वियतनाम घूम के आई हूँ, पहले पता होता तो आपसे मिल लेते हैं। हम लोग मैसूर चटनी सीखना चाहते हैं। मैसूर चटनी ओके करवा सकते हैं। और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं वो बताइए। और इंडिया से कौन से सिटी से लोग जुड़े हुए हैं? ताकि जो हमारा दोस्ता जो पहली बार चिपक गया था वो अब दूसरी बार चिपकेगा नहीं। सीजन कर रहे हैं मतलब तवे को, जैसे मैंने बताया ना एक दो में ऐसा होता ही है, फिर आपका जैसे स्टार्ट हो गया ना फिर रुकते ही नहीं है। हम बोलते हैं कि फैमिली वाले जितने भी है फटाफट खाने को बैठ जाए, लाइन शुरू हो जाएगी तो एंड तक हमारे डोसे बहुत अच्छे से निकलते रहेंगे। एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम गैस ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसका रीजन है कि तो तवे का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से हम सेट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि अगर बहुत गर्म तवे पे मैं डोसा फैलाऊंगा तो अच्छे से कभी भी ये नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा ठंडे में फैलाओगे तभी भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो तवा का जो टेम्परेचर वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ये रेडी होता है दर्शकों के लिए हम एक छोटी सी मैं क्विज कर लेता हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के सांभर होते हैं साउथ इंडिया में। अगर आपको जितने ज़्यादा नाम पता हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कितने कितने सांभर होते हैं। ओके बस पची ऑन करो, बंद कर, बंद रखना है। सो ज़्यादा तवा आपको गर्म लग रहा है तो हमें बंद करना है। प्याज की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं? नहीं प्याज ही लेना है, जैन लोग पूछते होंगे सर। आलू भी घीस सकते हैं पर आलू भी नहीं खाते आप तो। सो आपको मैंने बताया ना वो ईट वाला आप कर सकते हो, सो ईट का करके घीस के अच्छे से उसको, पर नॉन स्टिक पे नहीं है, कास्ट आयरन तवे पे ही आपको ईट घीसनी है। शेफ आप कितनी लंबी जर्नी में आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? जब मेरे एक वर्कशॉप था तब मैंने गुजराती कढ़ी बनाई थी, तो जब ऑडियंस ने जब जो भी लोग आए थे उन्होंने वो टेस्ट की तो सबने खड़े होकर ताली बजाई थी मेरे लिए। तो मुझे लगा था कि वो मेरा बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर गया और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम भी कुछ अलग कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। तो वहाँ से मुझे वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। रेसिपी के लिए तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पर एक बार मुझे बराबर याद है कि लाइक हमारा शो था और 600 लोग इसमें आए हुए थे, और उस टाइम लाइक इतना यूट्यूब इंस्टा वगैरह नहीं था, लोगों को ऐसे शो देखना बहुत पसंद थे, तो वो फुल भरा हुआ था। और जैसे हमारा शो ख़त्म हुआ सो सबने खड़े होके जो तालियों के गड़गड़ाहट से मुझे जो एक इंस्पिरेशन दिया था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहला शो था मेरा तो मुझे लगा कि हाँ लाइफ में मैंने जो किया है वो अचीव कर लिया और अभी आगे मुझे जाना है। यस चलिए। और आपके तो बहुत सारे ऐसे जो क्लासेज हैं, हाँ मुझे भी जब कुछ दर्शक मिलते हैं सूरत से तो वो लोग बताते हैं कि हमारा अगर डोमिनोज स्टाइल ऑफ पिज्जा हम बहुत ही बढ़िया बनते हैं क्योंकि हमने स्वाद इंस्टीट्यूट से ही सीखा है, तो अभी हमें बाहर जाके नहीं खाना पड़ता, हम घर पे ही बनाते हैं ऐसा। अभी जब डोसा इस प्रकार ड्राई हो जाए ऊपर से, आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हो। जो आलू की सब्जी हमने बनाई है उसे हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। ओके किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? हमारा डोसा ऑलमोस्ट रेडी है, सांभर चटनी हमारा रेडी है, हम इसकी प्लेटिंग करने वाले हैं। तो किसी को कुछ और पूछना है या बताना है, जैसे मैंने बताया कि और कोई रेसिपी हमसे आप सीखना चाहते हो तो भी हम आप हमें बता सकते हैं। और लाइक बढ़ी कि नहीं प्रतीक, कहाँ तक आई है लाइक? मैम 150 लाइक हो गई है। ओके और अभी भी बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी एक चीज़ फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो मैंने डोसा बनाया था इससे हल्का सा अभी मैंने मोटा बनाया है, बड़ा बनाया है। तो जैसा मैंने बताया कि जो आपकी फ्लेम है उसके अकॉर्डिंग ही आप डोसा बनाइए,
क्योंकि अगर बहुत बड़ा डोसा बनाओगे तो साइड से वो चिपका रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं पहुँचती और कलर नहीं आएगा। हाँ, कलर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी जल्दबाजी से इसे निकालिए नहीं, अच्छी तरह से इसे होने दीजिए, सेट होने दीजिए, और उसके बाद इसे आप निकालिए, तभी भी आपका जो डोसा है बहुत ही बढ़िया बनेगा। और कभी ऐसा होता है कि आपका डोसे पे एक ही साइड पे कलर आ रहा है, तो जो तवा है उसे आप अच्छी तरह से फ्लेम पे एडजस्ट कीजिए। तो घर पे ऐसा करना पड़ता है, जो बाहर कमर्शियल डोसा बनते हैं तो वहाँ पे फ्लेम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो बहुत ही बढ़िया एक समान आता है। घर पे आपको ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा होता है ना कि लाइक 5-10 डोसे निकल गए, फिर तो लाइन से निकलता है, तो जैसे जैसे जितने ज़्यादा बनते जाएंगे उतनी फ्लेम सेट हो जाएगी, तवा सेट हो जाएगा और आपके फटाफट से निकलना शुरू हो जाएगा। अभी जो पहला डोसा हमने बनाया था उसमें आप देखिए हमें क्या दिक्कत आई थी कि वो चिपक जा रहा है। हाँ, अभी नहीं चिपक। दूसरा जो आप देखिए कलर देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया। अभी तीसरा अगर आप बनाओगे, इससे भी बड़ा बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया आपका बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। पहले से आप बड़ा डोसा बना लोगे वो आपका टूट जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि मेरे बैटर में प्रॉब्लम है, मेरे तवे में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत बड़ा डोसा बनाया, लेकिन ये जो सिस्टम है वो आपको फॉलो करना है, आपका जो तवा है इसे परफेक्टली सेट करना है। अभी आपको बार बार इसके ऊपर प्याज या ऑयल नहीं लगाना है, नॉर्मली पानी छिड़क दीजिए, डोसा बनाइए, आपका डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। हाँ, तो वो गर्मी का ही प्रॉब्लम है कि बीच से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और आयरन का जो तवा है उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो क्या होता है, उनका जो तवा है उसमें साइड पे वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ होता है और बीच पे ही फ्लेम लगती है, तो वो अच्छी तरह से बीच पे ही गर्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आयरन का जो तवा है इसे हाथों से अच्छी तरह से घुमाना है और सभी ओर से अच्छी तरह से इसे गर्म करना है, तभी जो आपका डोसा है वो सभी ओर से बहुत बढ़िया बनेगा। अभी आप देखिए मैंने छोटा डोसा बनाया, कलर देखिए सभी ओर से एक समान कलर। तो देखिए यहाँ पे हमारा डोसा तैयार है, हमने साथ में मलगा पुड़ी चटनी, कोकोनट चटनी एंड सांभर यहाँ पे रेडी किया हुआ है। वहाँ ले लूं। शेफ, आपने जो पूछा था कितने टाइप के सांभर बताया, तो आशिता जी ने लिखा है कद्दू, शैलोट, रसम, टमाटो जैसे सांभर। जी जी, यस। जैसे कि एक बॉम्बे सांभर होता है, सांभर का एक वर्जन है जो ज़्यादातर स्ट्रीट वेंडर बनाते हैं, उसमें बिना दाल के सांभर बनाते हैं। तो एक बॉम्बे सांभर हो गया, फिर टिफिन स्टाइल सांभर बनाते हैं जो प्रेशर कुकर में बन जाता है, ज़्यादा टिफिन में ले जाना क्योंकि कम मेहनत में बहुत बढ़िया सांभर बन जाता है। उड़ी भी स्टाइल सांभर होता है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के सांभर होते हैं और टेस्ट भी उनका मेथड थोड़ी बहुत चेंज होती है, टेस्ट भी बहुत ही अलग हो जाता है उससे। क्या बात है। सो हमारे व्यूअर्स बहुत ब्रिलियंट है भाई, क्योंकि बाहर भी इतना खाते हैं, स्वाद में भी इतना सीखते हैं और शेफ विराज को भी इतना ही देखते हैं। तो ऐसे ही सेम हम एवरी फ्राइडे को एक लाइव लेके और एक फूड एंथुसियास्ट को लेके आने वाले हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे और उनके साथ आपको मिलना है, बातें करनी है, कुछ सीखना भी है। तो इसके लिए आप हमारे साथ वापस नेक्स्ट फ्राइडे को 5:30 को ही है, नेक्स्ट फ्राइडे 5:30 को जुड़ना है। और शेफ फिराज को मिलके आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो आपने देखा है वो सारा, जैसे कि मैंने बताया, ये बनाने के बाद आपको एक मस्त फ़ोटो खींचनी है और स्वाद इंस्टीट्यूट को और शेफ फिराज के पेज को, आपको दोनों को टैग करना है। सो शेफ फिराज, आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, स्वाद इंस्टीट्यूट जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर रहेगा। यस, ये परमानेंट सेव रहेगा जी, तो आप एनी टाइम देख सकते हो। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो आप जरूर हमें पूछिए, आपको एनी टाइम गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।